एशिया कप 2023 के आयोजन की तस्वीर साफ होने के बाद अब सभी को उम्मीद है कि जल्द ही आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 के स्केड्यूल का भी ऐलान कर दिया जाएगा। भारत में होने वाले आगामी मेगा इवेंट के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम के हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दी है, इसी कारण अभी तक आईसीसी शेड्यूल का आधिकारिक ऐलान नहीं कर सका है। वहीं इसी बीच पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी जावेद मियांदाद ने एक बार फिर भारत को लेकर विवादित बयान दिया है। जावेद मियांदाद ने पाकिस्तानी मीडिया से बात करते हुए कहा कि क्रिकेट में राजनीति नहीं लानी जानी चाहिए, लेकिन भारत पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है, ऐसे में पाकिस्तान को भी वहां खेलने जाना नहीं चाहिए। भारत यहां नहीं भी आए तो हम बेहतरीन क्रिकेटर तैयार कर रहे हैं, हम आपकी तरफ हाथ बढ़ाना चाहते हैं, आप भी आइए और हाथ बढ़ाइए, हमसे बात कीजिए ताकि दोनों देशों के रिश्ते सुधरें और खेलों को बढ़ावा मिले। मियांदाद ने आगे कहा कि मैं इस मुद्दे पर साफ कहना चाहता हूं कि यदि भारत यहां खेलने नहीं आता है तो हमें भी वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत नहीं जाना चाहिए। आपकी इस पूरे स्टेटमेंट पे क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्पोर्ट्स लाइव एबीपी लाइव को।